ओम शांति। आज है 13/3/19 के साकार महावाक्य। प्यारे प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ तब ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर है, पहला, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरी पॉइंट है, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, ये है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं, राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, भल है मनुष्य परंतु देवी गुणों वाले हैं। इसीलिए देवी देवता कहा जाता है, पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भौं भौं क्यों करते हो? ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आधी मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है? युद्ध का मैदान है ना? ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे दोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे
बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबर वार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, तो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन की है सर्व की सदगति करने वाले, वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबर वार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है अंतकाल सो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ, ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। ऊंच ते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारी में भी नंबर वार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वे है हट योग। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठयोग से दोनों नहीं मिलते। वे है हठयोग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु कैसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना।
पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुसतम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वे दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए, 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं, अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो, मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इससे तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। बल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबर वार तो है, ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य हैं वे बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में हैं, कलकत्ते में हैं, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस कर गए हैं तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। दो इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो यहाँ दो बत्ती है, और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हो तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हो। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, ज़रूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं।
अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वे सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबर वार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे हो पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। ज़माना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आधी मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा ये है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बनी है। धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सतयुग में थे, अनार्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफ़ी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त हैं। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है, तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बोलूं। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है, 8 रोज काफ़ी है। अगर बिठा दें तो ढेर हो जाएं। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए।
सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठानी है। दूसरी पॉइंट है, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का वरदान है, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। आज का स्लोगन है, मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है।